नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल आलोकजी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि आप कैसे एलपीजी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट कैसे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि एलपीजी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट कहाँ से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लिखा होता है ये इसका नेट वेट होता है दोस्तों, यानी कि इसका इसमें कितना तक एलपीजी गैस फिल की जा सकती है, ये इसका मतलब ये होता है। तो 15.9 यानी कि 16 kg तक इसमें फिल की जा सकती है। ग्रॉस वेट पूरे सिलेंडर की बात करें तो इसका ये दो लिखा है 30 kg और 100 g, यानी कि 30 kg 100 g तक इसका ग्रॉस वेट होगा पूरा जब ये भरा जाएगा एलपीजी गैस और ये सिलेंडर। तो पूरा इसका वेट जो होता है वो इतना होता है। और नेट वेट जो इसमें दोस्तों अभी आपको मिल रहा है, यानी कितना इसमें फिल करके दिया गया है आपको एलपीजी गैस, वो इसमें लिखा है 14.2 kg, यानी 14.2 ग्राम इसमें गैस भर के अभी आपको दी गई है। तो चलिए आपको बताते हैं, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। इसको आपने कभी नोटिस किया है, जब भी दोस्तों आप एलपीजी सिलेंडर लेने जाएँ तो सिलेंडर लेते समय इस बात को ज़रूर ध्यान दें दोस्तों कि ये जो होता है इसका मतलब होता है एक्सपायरी डेट, यहाँ पर यही लिखा है। तो C28, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे जो C है दोस्तों, इसका मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको ABCD यानी कुछ भी लिखा मिल सकता है। ABCD यहाँ लिखा रहेगा और यहाँ पे जो लिखा है ये सन लिखा है यानी कि ईयर। तो ये 28 यानी कि 2028 तक ये वैलिड है, ये सिलेंडर की बात करें तो इसकी एक्सपायरी डेट 2028 तक। अभी सी का मतलब क्या हुआ? सी का मतलब हुआ दोस्तों, ए का मतलब होता है जनवरी फरवरी मार्च, बी का मतलब होता है अप्रैल मई जून, सी का मतलब होता है जुलाई अगस्त सितंबर और डी का मतलब होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं अभी कि ये जो सी है ये वही है दोस्तों, अगस्त सितंबर और वहाँ पे माफ़ कीजिएगा जुलाई अगस्त सितंबर। तो जुलाई अगस्त सितंबर का जो होता है वो सी से रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे। तो ये वही सितंबर लास्ट 2028 में इस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट है। तो आप अब समझ गए हो तो दोस्तों कि अगर आपको यहाँ पे ए बी कुछ भी मिल जाए, ए मिल जाए, तो उसका मतलब होता है दोस्तों जनवरी फरवरी और मार्च। तो मार्च लास्ट और 2018 लिखा रहेगा, तो यानी कि मार्च 2028। तो इसमें दोस्तों आप समझ सकते हैं, इसी तरीके से आप चेक कर लें एलपीजी अगर सिलेंडर आप ले रहे हैं तो एक्सपायरी डेट देख कर ही लें, क्योंकि ये दोस्तों आपको वहाँ पे डेंजर जोन में जाने से बचा सकती है। तो इसको ज़रूर माइंड करें और देख के ही लें दोस्तों एक्सपायरी डेट। ऐसे ही अब चेक की जाती है एक्सपायरी डेट सिलेंडर की। तो मुझे मैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर नहीं कि शेयर भी जरूर कर दें ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी माफ़ कीजिएगा एक्सपायरी डेट कैसे चेक करते हैं। तो मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।